पार्षद दल ने किया मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण। भारी अनियमितता के साथ निम्न स्तर का भोजन बच्चों को वितरण किया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन की अनियमितता बनी अब जन आंदोलन। विगत 3 वर्षों से मध्यान्ह भोजन की नगर में स्थिति बेहद दयनीय है, जिसको लेकर सैकड़ों बार पंचनामे बन गए। मीमांसा समूह के द्वारा नगर परिषद सतवास नगरीय क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में भोजन का वितरण किया जाता है, लेकिन ठेकेदार की हट धार्मिकता के कारण भोजन शासन के मेनू अनुसार नहीं वितरण किया जा रहा है। वहीं जो भोजन वितरण किया जाता है वो गुणवत्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुरुवार को नगर परिषद अध्यक्ष जय नारायण यादव, पार्षद जगदीश राठौर, सांसद प्रतिनिधि कैलाश जोशीला ने पालकों की शिकायत पर विद्यालयों का निरीक्षण कर ठेकेदार को समझाइश दी गई थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शनिवार को मेनू अनुसार भोजन में पराठे मिलने थे, लेकिन केवल दाल रोटी मिली। वहीं दाल में केवल पानी था, रोटी जली हुई थी। पालक और पार्षदगण ने बताया कि यदि CEO महोदय समय रहते कार्यवाही नहीं करते हैं तो मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर जिलाधीश महोदय के सामने अपनी समस्या रखेंगे। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। देखना आया था स्कूल में, तो यहाँ के जो भोजन की व्यवस्था है वो भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पे भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।